हेलो ऑल मैं हूं पारस कुठारी और आज इंडिया टीवी पर मेरे साथ हैं वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम हिपे पुरे राघव यानी रुशद राणा रुशद कैसे हैं आप बढ़िया थैंक यू आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं पहले मुझे ये बताइए कि इसका रास क्या है जैसे आप हिपेपुरे में नजर आते थे रुशद ठीक वैसे ही आज आप आज, आज नजर आ रहे हैं आपकी तब क्या एज थी और आज क्या एज है नॉट एट ऑल आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट तो जब uh, मैंने हिपेपुरे किया आई वाज इन कॉलेज आई वाज 19 इयर्स ओल्ड एंड टिल द टाइम आई मॉज ट्वेंटी वन हिपे पुरे लास्टेड और आज मैं फोटी वन का हूँ एंड या आई मीन थैंकफुली आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद गुड जेनेटिक्स एंड वन मोर थिंग इज दैट आई हैव ऑलवेज बिन वेरी फॉन्ड ऑफ फिटनेस तो इवन बिफोर एक्चुअली आई आई वुड से आई बिकेम एन एक्टर बिकॉज आई वॉज इन टू फिटनेस तो आई वॉज अ वेरी रोली पोली किड एंड स्कूल के बाद मैंने अपने वर्कआउट्स वगैरह शुरू किए बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजनज डॉक्टर टोल मी दट आई हैड टू यू नो गेट एंड टू वर्कआउट्स एंड स्टफ लाइक दैट तब जाके जो वर्कआउट शुरू किया लॉस्ट अ लॉर्ड ऑफ वेट पीपल स्टार्ट एड टेलिंग मी वाई डोंट टू डू सम काइंड ऑफ मॉडलिंग और एक्टिंग गॉट माई फर्स्र्स्ट पोर्टफोलियो मेड एंड दट्स हाउ हेपी फोर है तो इफ आई वुड से आई ओ माई एंटायर करियर टू माई फॉन्डनेस टुअर्ड्स फिटनेस

हिपेपुरे इज वन कास्ट वेरन वी हैव ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स लाइव एक दूसरे की खुशी में एक दूसरे के गम में कभी किसी का कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो ग्रुप पे डाल देता है लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस सो इट्स नॉट दैट वी कनेक्टेड आफ्टर मेनी ईयर्स इन फैक्ट वी हैड आर आई वुड से वी हैड आर फर्स्ट रीयूनियन इन मेनी ईयर्स इन टू थाउजेंड ट्वेल्व और टू थाउजेंड थर्टीन दैट वॉज अ टाइम वी ऑल ऑफ अस मेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट uh, उसके बाद तो ऑन एंड ऑफ वी हैव बिन इन टच ऑन आर वाट्स एप ग्रूप दै एज अपेपुरे कास्ट ग्रूप दैट ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ आर डायरेक्टर नूपुर अस्थाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट तो वैसे तो हम टच में हैं बट या दैट होल जूम मीटिंग वॉज वंडरफुल एंड विशाल एज वी ऑल नो इज़ अ वेरी गिफ्टेड एंकर एज वेल तो ही टुक दी ओनर्स अपॉन हिमसेल्फ टू यू नो एंकर दैट लाइव जूम सेशन एंड

कितने शोज़ हैं जिनको लोग 20 साल बाद भी uh, याद करते हैं आज भी आज की जो जेनरेशन है 18 ईयर ओल्ड्स 20 ईयर ओल्ड्स दे मीट मी समवेर एट द रिसेंटली समवेर एट दी एयरपोर्ट दिस किड मेट मी फ्रॉम कॉलेज एंड शी वाज लाइक के ओ आई एम वाचिंग हिपे पुरे राइट नाउ सो आई थिंक यू नो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक वी आर पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक शो इफ आई मे सेट मीन टू साउंड आई डोंट मीन टू साउंड बोस्टफुल बट आई जस्ट फील वेरी हम्बल्ड विद द फैक्ट दैट वी व पार्ट ऑफ अ शो जो आज की भी यूथ उस चीज़ को देख के रिलेट करती है Uh, आज के भी लोग उस चीज को उस कंटेंट को देख के रिलेट करते हैं उनको वो पुराना या घिसा पिटा नहीं लगता है एंड आई थिंक इट इज जस्ट वंडरफुल टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू बिकॉज इट्स स्टिल फ्रेश स्टिल फ्रेश इट्स स्टिल रेलिवेंट इज स्टिल गिविंग द सेम मैसेज इट यूज टू गिव ट्वेंटी टू ईयर्स अगो रुशद एक चीज मुझे आप और बताइए रिसेंटली यू डिड अनुपमा अनुपमा में आप अभी भी काम कर रहे हैं यू प्लेड काव्याज अनिरुद्ध अनिरुद्ध सो अब अनुपमा के साथ और क्या प्रोजेक्ट्स के क्या कर रहे हैं इस वक, इस वक्त वक्त सी एक्चुअली अनुपमा जैसे ही मैंने करना शुरू किया आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू अदर वेब सीरीज आफ्टर द लॉकडाउन लास्ट ईयर वन इज अ सीरीज कॉल्ड चीटर्स इट्स अ ब्लैक कॉमेडी एक रात की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग शूट भी हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है uh, सुनील मंचंदा जी हैज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड दैट सो uh, so वो एक इंटरेस्टिंग शो किया है मैंने देन आई प्लेड अ कॉप इन अनदर वेब सीरीज कॉल्ड इल्ज़ाम जो कि अब आई थिंक ये सारे अभी दे आर फिगरिंग आउट वे टू गेट एड और कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो इल्ज़ाम एंड चीटर्स इज कम्प्लीट और अभी हाल फिलहाल में जस्ट बिफोर दिस सेकेंड लॉकडाउन हैपन्ड आई ऑलमोस्ट ऑन द कम्प्लीशन ऑफ पंचबीट सीजन टू जो कि ऑल्ट बालाजी का बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज yeah. रह चुका है तो पंचबी टू इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर नाउ कुछ चंद दिन बाकी रह गए हैं एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वन वेब फॉर विक्रम भट्ट सर कॉल्ड माया माया सीजन फोर तो बस उसकी शूटिंग चल रही है अच्छा एक चीज मुझे और बताइए अपार्ट फ्रॉम वेब सीरीज एंड टेलीविजन इज एनी प्लानी फिल्म सेवेंटी एम स्क्रीन का क्या हैं है रुशे? सी सेवनटी एम एम का जहाँ तक uh, मेरी जर्नी रही है ना सेवनटी एम एम के साथ आई हैव सीन के मैंने जब भी प्लान किया है कि मैं फिल्म पे फोकस करूँगा इट हैज़ नेवर वर्कड आउट फॉर मी तो अब मैंने छोड़ दिया है आई एम लाइक जब फिल्म होनी होगी होगी uh, और उस एटीट्यूड से मैंने काफ़ी अच्छी फिल्में की है डोर एंड ऑल दोज फिल्म्स हैपन व्हेन आई वाज नॉट रनिंग बिहाइंड फिल्म्स एंड व्हेन आई रैन बिहाइंड फिल्म्स कपल ऑफ डिजास्टर्स हैपन दैट आई डोंट विश टू टॉक अबाउट बट यू नो दे काइंड ऑफ डिरेल्ड माई करियर बाई टू थ्री ईयर्स इफ़ आई मे से सो तो अब मैं फिल्मों के पीछे भाग नहीं रहा हूँ बट हैविंग सेड दैट द इज वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दैट आई शॉर्ट फॉर इन मार्च इट्स कॉल्ड द रेपिस्ट इट्स अपर्ना सेन मैम्स मूवी एंड इट्स विद अर्जुन रामपाल एंड कोंकना सेन तो उसकी शूटिंग ऑलरेडी हो गई है द फिल्म इज ऑल्सो कम्प्लीट आई हैव लाइक गुड रोल इन दैट डिसेंट रोल इन दैट और कुछ अच्छे सीन्स किए हैं तो प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट आल्सो टू कम आउट और एक और फिल्म की है लास्ट ईयर जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हैपन्ड दिस इज फॉर दिस जेंटलमैन कॉल्ड श्लोक शर्मा हु मेड हराम खोर विद नवाज सर एंड श्वेता तो उनकी फिल्म मैंने की है इट्स कॉल्ड प्रिवेसी अब वो भी आई थिंक दे आर प्लानिंग टू टेक इट टू फेस्टिवल्स एंड रिलीज इट ऑन ओ एंड ऑल बट जब भी बी वैन थिंग स्टार्ट ओपनिंग अप आई थिंक ये चीज़ें एक एक करके बाहर आने लगेगी। तो वैसे भी आजकल कल एम का वो अब ऑनलाइन पे है ओ टी टी प्लेटफॉर्म और ये बहुत अच्छी भी उस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा और खूबसूरत काम कर रहे हैं अनुपमा की पूरी कास्ट इस वक्त सिलवासा में शूट कर रही है आप गए अभी सिलवासा मैं नहीं गया हूँ आई वॉज वेरी डिस इनफैक्ट मुझे हम की कोविड टेस्ट हुई रेडी किया गया सब कुछ हुआ बट लास्ट मिनट आई वॉज टोल्ड कि मेरा अभी इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी तक गया नहीं हूँ बट आई एम होपिंग एवरी डे की कुछ कॉल आ जाए और बोले चल अनिरुद्ध तेरी जरूरत है आ जाए यार <laughs> क्योंकि फैंस ये पूछ रहे हैं कि काव्या को दिन रात परेशान करने वाला अनिरुद्ध है कहाँ पे वो अभी मतलब तो है तो नहीं तो अभी, अभी तो अनिरुद्ध और काव्या की दोस्ती हो गई है इफ यू वॉच द लास्ट चंग दैट आई डिड विद काव्या नाउ अनिरुद्ध इज आई थिंक कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि काव्या अब उसकी होने वाली नहीं है तो ही द वन आई थिंक ही सेज के चलो अब दोस्ती कर लेते हैं लेट्स लेट्स बी फ्रेंड्स एंड मूव ऑन लाइफ तो अब तो आई थिंक वो नास्टी वाला शायद नहीं आएगा या आप पता काव्या की मदद तो नहीं करने वाले हैं वनराज को हासिल करने में अगर दोस्ती हो गई तो नहीं उतने हद तक भी मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज कहीं ना कहीं आई स्टिल लव काव्या और मैं मतलब वनराज को वैसे भी पसंद नहीं करता हूँ पर्सनली आई लव सुधांशु जी आई टोटली यू नो लव दैट गाय इज़ अ वेरी वेरी वार्म एंड नाइस पर्सन बट कैरेक्टर वाइज अनिरुद्ध वनराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है तो आई डोंट थिंक उतने हद तक अनिरुद्ध जाएगा बट uh, जो लास्ट सीन्स मैंने शूट किए उसमें मैं बस काव्या को ये समझाता हूँ कि भाई अब uh, ट्रस्ट रखो अपने प्यार पर अगर अगर वनराज तुम्हें मिलना है तो मिलकर रहेगा एंड यू डोट हैव टू बी इन सिक्योर अबाउट इट राइट थैंक यू थैंक यू ऋषद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आई एम श्योर बहुत you. सारा अच्छा काम ओ टी टी पे और टेलीविजन पर आ रहा है और अनुपमा के फैंस भी वेट करें कि रिश्त बहुत जल्दी वापस अनुपमा में आए प्लीज आप लोग बोलिए अनुपमा <laughs> के मेकर्स को बोलिए मैं तो अपने क्रिएटिव टीम को बोल बोल के थक गया हूँ कि यार पीपल आर गिविंग मी दिस फीडबैक मैं खुद भी शो पे आना चाहता हूँ मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे अच्छे सीन्स करने का फिर से मौका मिले सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फैंस कि आप लोग प्लीज़ फ़ैन पेजेस पे या जो जहाँ पे भी जो भी जरिया है आप प्लीज़ लिखिए और कहिए दैट वी वांट अनिरुद्ध बैक तो शायद वो लोग आपकी बात मान के मुझे वापस बुलाए आई थिंक बहुत जल्दी बुलावा आने वाला है आपको जैसे ही ये लोग मुंबई वापस आएंगे आपका बुलावा पहुंचने वाला है hope फिल्म सिटी जाने का थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस थैंक यू सो मच कैमरामैन राजेश के साथ पारस कुठारी इंडिया टीवी मुंबई